तो आज का क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ज्यादा कैसे होने वाला, आईएमपी होने वाला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। आपका क्वेश्चन आज का क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाने की प्रयोगशाला विधि, कौन सी विधि, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाने की प्रयोगशाला विधि, बारीकी से समझो, यहां देखो ना, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाने की कौन सी विधि, प्रयोगशाला विधि, है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाने की प्रयोगशाला विधि का निम्न बिंदुओं के आधार पर वर्णन करो। सबसे पहले कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, यो गैस आप बना रहे हो, सबसे पहले संयंत्र का चित्र बनाओ, फिर अभिक्रिया के समीकरण भी लिखना है, विधि का संक्षेप में वर्णन भी करना है और दो सावधानियां भी लिखना, ठीक है। तो देखो ये होता है हमारा यंत्र, ये क्या होता है हमारा यंत्र होता है ना, इस प्रकार से होता है। देखो यहां पर आपके बर्नर या स्टोव रहेगा, ये क्या है आपका एक बर्नर है या फिर एक स्टोव है, यहां से इसमें गैस से आग जलती, क्या जलती, गैस से आग जलती है। आपने यहां पर टच से बिल्कुल लाइटर से आपने आग जलाए, आपकी क्या जलने लगी, यहां पर आग जलने लगी। उसके बाद फिर यहां पर एक क्या लगी होती है, आड़ी चादर वाला यहां पर एक वो लगा होता है, इसके ऊपर आप क्या रखोगे, इसके ऊपर आप रखोगे फ्लास्क को, ये हो गया आपका फ्लास्क, आपने इस फ्लास्क को इसके ऊपर आपने यहां पर रख दिए, ये फ्लास्क आपने यहां पर रख दिए, इस फ्लास्क के अंदर आप क्या लोगे, ऑक्सैलिक अम्ल का विलयन लोगे, किसका विलयन लोगे, ऑक्सैलिक अम्ल का आपने क्या लिए, विलयन लिए, और ये फ्लास्क हो गया आपका, है ना, और ये छोटी सी पतली सी आपको दिख रही है, ये यहां से इसको थिसिल कीप बोलते, क्या बोलते इसको, थिसिल कीप, ये क्या होती है हमारी, थिसिल कीप होती है, क्या होती है हमारी, थिसिल कीप। इस थिसिल कीप की सहायता से सांद्र H2SO4 ये अम्ल होता है, H2SO4 क्या होता है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, इस अम्ल को इस थिसिल कीप की सहायता से हम इस पात्र में प्रवाहित करेंगे, थिसिल कीप की सहायता से बूंद बूंद करके टपकाते जाएंगे, यहां पर वो लगी होती है, इसको ढीला कर देंगे हल्का सा, यहां से बूंद बूंद होते हुए है ना टप टप करके यहां पर क्या हो जाएगा, ऑक्सैलिक अम्ल में क्या हो जाएगा तुम्हारा, H2SO4 मिलते जाएगा, मिल गया। अब नीचे तुम कर रहे हो गर्म, अंदर हो जाएगी क्रिया, अंदर क्या होगी तुम्हारी क्रिया, और कौन सी गैस बनेगी, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी और जल की भाप बनेगी, और भाप कहाँ उठती है, ऊपर उठती है, इधर तो बुझाने से क्योंकि यहाँ पर अम्ल भरा हुआ है, तो इस नली की सहायता से वो पूरी भाप ऊपर उठ करके जाएगी, ये भाप पूरी ऊपर उठ करके गई, फिर यहाँ पर ये आई 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 आई, और यहाँ पर ये तुम्हारा क्या है, इसको अवशोषित कर लेंगे, है ना, P2O5 पे यहाँ पर जो बिलियन रखा है इससे, इसमें गई वो, इसमें बुधबुढ़ाट के साथ यहाँ पर क्या हुई, मिली, है ना, मिली, है ना, उसमें से अशुद्धि जितनी भी अशुद्धि है, अशुद्धि मतलब जितना भी कचरा काड़ी है वो सब इसको ये सोख लेगा, ये क्या सोख लेगा, अशुद्धि कचरा काड़ी सबको सबको सोख लेगा, और शुद्ध कार्बन डाई कार्बन मोनोऑक्साइड गैस और जल जो है वो यहाँ से फिर हवा है वो तो ऊपर उठेगी, फिर इस नली से होती हुई जाएगी, और इस नली से होती हुई जाएगी, और जो पानी बचा, पानी को P2O5 का यहाँ पर जो टुकड़ा रखा रहेगा वो पानी को जल को सोख लेगा, सोख लेगा, और शुद्ध कार्बन मोनोऑक्साइड गैस यहाँ पर जी आई, और जल की अधोविस्थापन विधि का मतलब जो होता है कि इस प्रकार का उसमें पात्र लगा होता है और उसमें उल्टी करके एक अपन कीप लगा देते हैं, जैसे आप पानी में गैस डालोगे तो गैस ऊपर उठती है, उसकी प्रकृति कहाँ है ना, करके देखना, नली लेना और टाका में उसको डालना, है ना, ना टाका में नली डालना, अगर फूकना, इधर से फूकोगे तो बुधबुढ़ाट के साथ निकलेगा, वहां से पानी निकलता है, निकलता है ना, यहां से तुमने डाले है ना, तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस आपके यहाँ पर एकत्रित हो गई, इसको जल के अधोविस्थापन विधि कहते हैं। देखो हमने क्या लिए थे, हमने थिसिल कीप में क्या लिए थे, ऑक्सैलिक अम्ल लिए थे, ये होता है ऑक्सैलिक अम्ल का सूत्र, C(OH) सिंगल बॉन्ड C(OH) ऑक्सैलिक अम्ल का सूत्र होता है, थिसिल कीप की सहायता से हमने बूंद बूंद करके H2SO4 हमने क्या करे थे, इसमें प्रवाहित करे थे, H2SO4 हमने क्या करे थे, प्रवाहित करे थे, और उसको हमने गर्म करे थे, क्या करे थे, इसको हमने गर्म करे थे, करे थे, तो क्या बना था आपका, सबसे पहले जल बना, देखो सबसे पहले CO गैस बनी, ये CO गैस आपकी ये बन गई, अगली आपकी CO2 गैस बनी, COO CO2 गैस ये निकल गई आपकी, CO2 गैस ये निकल गई, एक एच और एक एच और एक ओ, क्या बन गया आपका, H2O बन गया, और सांद्र H2SO4 जैसे का वैसा, मतलब ऑक्सैलिक अम्ल इसमें टूट गया। वो लिखे थे आपने अपने गोल पेंदी के फ्लास्क में ऑक्सैलिक अम्ल का बिलियन लिया, ये है आपका गोल पेंदी का फ्लास्क, ये क्या आपका गोल पेंदी का फ्लास्क है, इसमें आपने क्या लिया, ऑक्सैलिक अम्ल का विलयन लिया, किसमें लिया, गोल पेंदी के फ्लास्क में ऑक्सैलिक अम्ल का आपने क्या लिया, विलयन लिया, और उसको आप गर्म कर रहे हो, कर रहे हो आप उसको गर्म कर रहे हो, एवं थिसिल कीप की सहायता से सांद्र H2SO4 धीरे धीरे मिला रहे हो, इसको आप गर्म करते जा रहे हो, गर्म होते जा रहा है, और थिसिल कीप की सहायता से आप सांद्र H2SO4 धीरे धीरे मिलाते जा रहे हो, चित्र बनेगा, चित्र देख करके तुम पूरी थ्योरी लिख डालोगे, चित्र कम से कम तुमको 7 से 8 बार बन जाना चाहिए परीक्षा के पहले तक,
परीक्षक पहले 10 से 15 बार तो बने जाना चाहिए, अभी घर जाकर 3-4 बार तो उसको बनाना ही है, बिना देखे बनाना है, 1 सेकंड में बन जाना चाहिए, इतनी बार उसे प्रैक्टिस कर लेना है। चित्र बिल्कुल याद कर लो, रट लो बिल्कुल चित्र। गोल पेंदी के फ्लास्क में ऑक्सैलिक अम्ल का विलयन लिए और थिसिल केप की सहायता से हमने क्या करे, थिसिल केप की सहायता से हमने क्या करे, सांद्र H2SO4 हमने क्या करे, इसमें बूंद बूंद करके हमने यहाँ पर इसको मिलाते गए बूंद बूंद करके, है ना, बूंद बूंद करके हम क्या करते हैं इसको मिलाते है। अभिक्रिया के फलस्वरूप लगभग 90 डिग्री सेल्सियस पर, किसके फलस्वरूप, अभिक्रिया के फलस्वरूप। अब अभिक्रिया हुई और कितने डिग्री सेल्सियस पर, 90 डिग्री सेल्सियस पर। 90 डिग्री सेल्सियस पर क्या हुआ आपका, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बना। क्या क्या बना आपका, है ना, क्या क्या बना, कौन कौन सी गैस बनी आपके यहाँ पर 90 डिग्री सेल्सियस पर। CO कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बना और H2 मतलब क्या बना आपका, जल बना। CO2 और अन्य अशुद्धियों को KOH के विलयन में प्रभावित कर दूर कर दिए। देखो यहाँ पर ये रखा आपका KOH का विलयन, देखो ये KOH का क्या है आपका, KOH का विलयन है यहाँ पर, जब ये आया तो जितनी अशुद्धि है पूरी अशुद्धि कहाँ पर, यहाँ पर क्या हो गया आपकी अशुद्धि अवशोषित हो गई, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को इसने यहाँ पर सोख लिया, अवशोषित कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। जल वाष्प की अशुद्धि को P2O5 के ऊपर प्रभावित कर देते हैं, अलग हो जाता है। जल वाष्प की अशुद्धि को अपने कर लेते हैं P2O5 में प्रभावित करेंगे, जल वाष्प की अशुद्धि दूर हो गई और जल के अधोवस्थापन भी द्वारा कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को एकत्रित कर लेते हैं। क्लियर, ये क्या कर लेते हैं, एकत्रित कर लेते हैं। इस प्रकार सावधानी क्या रखना है आपको, सबसे पहले गैस मास्क का प्रयोग करना है। मैंने बताया था वायु के 100 भाग में, वायु कितने भाग में, वायु के 100 भाग में अगर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस इस बॉडी के अंदर चली जाए तो क्या होता है, इंसान की मृत्यु हो जाती है। क्यों हो जाती है, इंसान की मृत्यु हो जाती है, हो जाती है ना, इसलिए गैस मास्क का प्रयोग करना, अब घर में बनाना है अजमा चालू कर देना, है ना। अगला प्रयोगशाला की खिड़की खुली रखना है, खिड़की कैसे रखना है, खुली रखना है, तो बंद कमरे में इंसान निपट जाएगा ना। अगला एग्जॉस्ट पंखे का प्रयोग करना है, कौन से पंखे का, एग्जॉस्ट का मतलब जो होता है कि इधर साइड में लगा वाला पंखा और सामने खिड़की है, इधर तुम बना रहे हो पंखा चल रहा है, अगर गैस आए भी तो वो उधर उड़ के चली जाएगी, तुम्हारे पास आएगी क्या, नहीं आएगी। दीवार में लगा वाला पंखे क्या करना है, प्रयोग करना है।